हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड हम कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। डिफ़ॉल्ट अलार्म साउंड क्या होता है फ्रेंड्स? जैसे कि आपके पास कोई सॉन्ग वगैरह है या फिर कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास, तो उसे भी आप अपने अलार्म साउंड पर लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये इन्फिनिक्स का फ़ोन है और आपको सबसे पहले क्या करना है, सेटिंग पर क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड सेटिंग पर। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, साउंड एंड वाइब्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और अलार्म साउंड पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, ऐड अलार्म पर क्लिक करना है। ऐड अलार्म पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर इस तरीके की अपनी फाइल नज़र आ जाएगी, जहाँ पर आपने अपने सॉन्ग वगैरह डाउनलोड कर रखे हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ नहीं है फ्रेंड्स, और फाइल में भी कुछ नहीं है, ये देखिए। तो आपके पास कुछ है तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।